नमस्कार, मैं हेमंत जायसवाल, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। खानपुर क्षेत्र के किसानों ने किया प्रदर्शन, मंडला गांव सेवा सहकार समिति व्यवस्थापक पर लगाए कई गंभीर आरोप। खानपुर में विद्यार्थियों को विद्यालय जाने में हो रही है परेशानी, मुक्ति धाम मार्ग पर भरा रहता है 4 फीट पानी। बकानी में चारागाह भूमि पर अतिक्रमियों के हो रहे हैं हौसले बुलंद, राजस्व विभाग ने 2 अतिक्रमियों के खिलाफ की कार्रवाई। डग में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, चौमेला कॉलेज में एबीपी के प्रत्याशी जीतने पर की आतिशबाजी। पिड़ावा में बानोर गांव के खेतों में भरा है पानी, 90% फसल खराब होने से किसान है सदमे में। अब खबरें विस्तार से। खानपुर क्षेत्र की मुंडला ग्राम सेवा सरकारी समिति खेड़ा हरिगढ़ के किसानों ने समिति व्यवस्थापक पर फर्जी रसीद काट कर निर्धारित राशि से अधिक राशि वसूलने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। किसान राधेश्याम गुजर, राजू नागर, जीतू गुजर, शिवलाल गुजर, लालचंद मेघवाल, ओम प्रकाश ने बताया कि सहकारी समिति में किसान बीमा क्लेम राशि 525 रुपये के स्थान पर सैकड़ों किसानों से 2525 रुपये की राशि वसूल की गई है। इस मामले को लेकर झालावाड़ केंद्र सरकारी बैंक के प्रबंधक मनोज मीणा को ज्ञापन भी सौंपा गया और किसानों ने मामले की जांच कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। खानपुर क्षेत्र के पिपलाज पंचायत मुख्यालय के बड़ाउदा सड़क मार्ग पर अतिक्रमण होने के कारण गांव के बीच स्थित तलाई के सामने मुक्तिधाम मार्ग पर इंटरलॉकिंग खरंजे पर 3 से 4 फीट पानी होने से विद्यालय जाने वाले बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण बच्चों की ड्रेस खराब हो जाती है। विद्यालय जाने वाली छात्रा निशा सुमन, ज्योति सुमन ने अधिकारियों को बताया कि कई बार पानी कमर तक आ जाने के कारण हमारे कपड़े खराब हो जाते हैं। इस मामले को लेकर पूर्व सरपंच ओम सुमन की अगुवाई में ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी के नाम तहसीलदार राजेंद्र मीणा को ज्ञापन सौंपकर पानी निकासी की मांग की। इस मामले को लेकर विकास अधिकारी जगदीश जैगन ने बताया कि इंटरलॉकिंग खरंजे पर बरसात का पानी भरा हुआ है, नाला अवरुद्ध होने के कारण पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। जल्द ही जेसीबी मशीन लगाकर गंदे पानी की निकासी के प्रयास किए जाएंगे। बकानी कस्बे में रावणबड़ी स्थित चारागाह भूमि पर एक बार फिर अतिक्रमियों की नज़र बनी हुई है। चारागाह भूमि पर चल रहे पक्के निर्माण कार्य पर कार्रवाई करने के लिए राजस्व विभाग की टीम पहुंची, जिसमें 2 अतिक्रमियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए निर्माण कार्य बंद करवाया गया। वहीं तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर दोनों अतिक्रमण को तोड़ने के निर्देश दिए। ग्राम पंचायत के द्वारा जेसीबी मशीन को बुलाया गया, लेकिन मौके पर पहुंची जेसीबी मशीन के ऑपरेटर को अतिक्रमी के द्वारा किसी से बात करवाने के बाद जेसीबी ऑपरेटर जेसीबी लेकर मौके से प्रशासन को ठेंगा दिखाते हुए रवाना हो गया, जिसके चलते प्रशासन को बिना अतिक्रम हटाए बेरंग लौटना पड़ा। रावण बर्डी पर 84 बीघा चारागाह भूमि पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है, लेकिन प्रशासन इस कब्जे को हटाने में अपाहिज बना हुआ है। हमने थोड़ी गवर्नमेंट को गवर्नमेंट की जगह हमने थोड़ी बेची है। अच्छा, आज सूचना मिली थी कि चारागाह भूमि पर कोई मकान बना रहा है, जो हम मौके पर पटवारी कानों के साथ पहुँचे और इस अतिक्रमण को भी कार्य रुकवाया और इसको भी हटवाएंगे। अब जिनका अतिक्रमण बने उनके 91 की रिपोर्ट की जा रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। डग में राजकीय महाविद्यालय चौमेला
मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विजय होने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाकर आतिशबाजी की। महाविद्यालय चुनाव में चारों पदों पर एबीवीप के प्रत्याशी जीतने पर डक कस्बे में पुराने बस स्टैंड पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया। इस अवसर पर राजेंद्र सिंह परियार, प्रेमी मुकेश वर्मा, सुनील व्यास, नारायण सिंह तिसाई आदि कई लोग मौजूद थे। पिड़ावा उपखंड क्षेत्र के बानोर गांव में लगातार हुई वर्षा से खेतों में पानी भरा हुआ है। खेतों में पानी भरने से सोयाबीन, मक्का एवं उड़द की फसलों में 90% तक का नुकसान हुआ है। वर्षा से सोयाबीन के फूलों एवं फलियां गिर गए हैं। भारी आर्थिक क्षति से क्षेत्रीय किसान सदमे में हैं। किसानों की स्थिति ऐसी हो गई है कि ना तो वह ब्याज चुकाने की स्थिति में है और ना ही खाद बीज के लिए लिया गया कर्जा चुकाने की स्थिति में है। किसानों ने प्रशासन से नुकसान ग्रस्त फसलों का शीघ्र ही सर्वे करवाकर किसानों को राहत पहुंचाने की मांग की है। खेतों में पानी भरने से बानो निवासी किसान भागचंद दागी की 10 बीघा, मनोहर लाल सैनी की 6 बीघा, मंगीलाल दांगी की 15 बीघा, कैलाश दांगी की 30 बीघा, शिव प्रसाद दांगी की 10 बीघा, गोकुल प्रसाद की 10 बीघा, हीरालाल दांगी की 8 बीघा एवं रामकिशन दांगी की 5 बीघा भूमि में खड़ी फसलें नष्ट हो गई है। फसल का इसलिए हमें बीमा कंपनी वाले से मुआवजा मिलना चाहिए लगातार बारिश से। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, तो देखते रहिए खबर 24 न्यूज़।